हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सब कोई अच्छे होंगे। तो चलिए, डिजिटल आईटीआई ग्रुप में स्वागत है। मैं गणेश कुमार आज अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आईटीआई 10-12 में किया था और उसके बाद 13-14 में एफटीआई हैदराबाद से किए और उसके बाद सीटीआई किया हूँ पटियाला पंजाब से और डिप्लोमा एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से किया। ठीक है, तो चलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज। जो जो भी आईटीआई स्टूडेंट या डिप्लोमा या जो भी बच्चे चाहते हैं कि वो आईटीआई में टीचर बने या एक अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक बने आईटीआई में, चाहे आईटीआई वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। आपको पता होगा कि आने वाले समय में हर प्राइवेट संस्थान हो या सरकारी हो, सीटीआई यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कंपलसरी पढ़ाने वाले शिक्षक के पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके तहत आपको करना क्या होगा कि सीआईटीएस यानी कि सीटीआई या सीआईटीएस, ठीक है, सीटीआई या सीआईटीएस का एक इंट्रेंस एग्जाम होता है जो आपको इसका अभी फॉर्म भरना है। 15/6/2020 से स्टार्ट होगा और आपका 27/6/2020 तक ऑनलाइन फॉर्म इसका भराएगा। ठीक है, इसका बाकी जो भी सिलेबस रहता है, आईटीआई संबंधित क्वेश्चन आता है जिसमें आपका 75 नंबर तक आपका ट्रेड रहता है और उसमें 25 नंबर तक कुछ आपका जीके जीएस डालता है जो आपको बनाने होते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन डाल देना है और फॉर्म ऑनलाइन डालने के बाद आपको 19th या 20th जुलाई को इसका एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है। मे भी लॉकडाउन की वजह से बढ़ सकता है या घट तो नहीं सकता, लेकिन आगे में बढ़ सकता है। लेकिन आपको अगर सीआईटीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी देना पड़ेगा। पहले जैसा नहीं रह गया कि हाँ आपको कहीं डोनेशन देकर आराम से आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप इस गलत फहमी में नहीं रहिए कि हाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तो भी हम आगे चल के किसी भी छोटे या बड़े संस्थान में एडमिशन हमको मिल जाएगा। तो पहला प्राथमिकता जो भी सीआईटीएस या सीटीआई में एंट्रेंस में बच्चे बैठते हैं और वो चाहे एग्जाम पास करे या ना करे, अगर पास करते हैं तो उनको अच्छा कॉलेज मिलता है और पास नहीं करते हैं तो उनको प्राइवेट संस्थान मिलता है जिसमें आपको थोड़ा सा विधि व्यवस्था थोड़ा कम मिलता है। इसलिए आपको अपना तैयारी करते रहना है। ठीक है, तो यही है कि आप लोग सिटी जो जिनको भी जो लोग आईटीआई कर चुके हैं या फिर डिप्लोमा कर चुके हैं और आगे भविष्य में वो चाहते हैं कि हाँ हम सरकारी आईटीआई में या फिर प्राइवेट संस्थान में एक अच्छा पोस्ट पे पढ़ाएं, इंस्ट्रक्टर बने, तो उसके लिए आपको सीटीआई कंपलसरी करना पड़ेगा। क्योंकि डीजीटी ने पहले ही आपको 2011 में गाइडलाइंस दे दिया है कि किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में, चाहे वो आपका प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें पढ़ाने वाला व्यक्ति को कंपलसरी सीटीआई का डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ राज्य सरकारें मनमानी कर रहे हैं जिसकी वजह बदौलत अभी आगे पीछे हो रहा है। कुछ लोग गेस्ट रख रहे हैं, कुछ लोग अपना प्राइवेट के जरिए भी रख रहे हैं। ठीक है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है कि आपको अगर सीटीआई करना है तो आपको फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना है और इसका तैयारी करना है। बाकी तैयारी करने के लिए इसका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा या जो भी क्वेश्चन आएगा हम आपको आगे प्रोवाइड करा देंगे। तो न्यूज में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।